जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सबको। आज मैं बना रही हूँ चीला। वैसे तो दोस्तों चीला किसी चीज़ का बनता, पर मैं, मेरे को जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं चीला जो है बाजरा, रागी और मंडल के आटे का बना रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो कर रहा है, तो उसको गेहूँ का आटा छोड़ना होगा। बहुत अच्छी औषधि है ये, औषधि दवाई नहीं लगेगी। तो इसमें हमने ये गेहूँ का आटा लिया है, हमने लिया है बाजरा, रागी और मंडल, जिसको हम मंडियाली भाषा में अपने इधर जो हमारे हिमाचल में बोलते हैं, कोदरा भी बोलता है, काला होता है वो। और ये सभी थोड़े थोड़े काले आटे होते हैं। हमने जो ऑनलाइन रागी का आटा, बाजरे का आटा और मंडल का आटा जो है ऑनलाइन मंगवाया है। तो दोस्तों इसको खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, जिसको भाई को है, बहन को है, माता को है, वो प्लीज़ इस गेहूं के आटे का यूज ना करके आप इसको रोटी भी बना सकते हैं। कभी चीला बना दिया, कभी रोटी बना दी। तो और इसमें क्या कर सकते हैं, हम मिक्स सब्जियां कर सकते हैं। जैसे मैंने मटर, हरे मटर कर दिए, शिमला मिर्च थोड़ा आग पर भूनना, तो इसको मैंने ये शिमला मिर्च ली थी, इसको आग पर ऐसे थोड़ा, जैसे टमाटर को हम छिलका उतारते हैं वैसे पकाना है, भूनना जिसको बोलते हैं भूनना। फिर आधे जैसे मैंने ये ले ली और इसमें नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया, जो भी आप मसाला डालना चाहते हैं, जीरा, जो भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ, जैसे हम हिमाचल में मंडियाली लोग जो होते हैं, वो जैसे चावल के आटे के एंकलियाँ जो बनाते हैं, चिलड़ू जिसको बोलते हैं, वैसे बना सकते हैं। और जिस सज्जन को पता नहीं है कि ये कैसा बनता है, तो और ये इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जैसे हमारा चीले बनाने के लिए हमने और ले लिया, वो डाल तले को तेल का, वो जैसे हमने पचैरा लगा दिया उसको, तो पचैरा किस चीज़ का, पचैरे से तो अच्छा नहीं बनता, तो हमने आलू ले लिया, आलू को काटा है और इसको, और जैसे डोसा बनाते हैं दोस्तों वैसे है, तो उसको हम थोड़ा सा पानी से ऐसे करें तभी अच्छा बनता है, निकल जाता है ऐसे। अब इसको हम यहाँ फैलाएंगे, जितना आप बड़ा कर सकते हैं उतना आप ये पेस्ट जो डाल सकते हैं। और इसको हम फैलाना है, देखिए हम आपसे फैला सकते हैं, अगर आप चाहें तो चम्मच से, इसके पर मेरे को आग से अच्छा लगता है, मैं आग से इसको कर देती हूँ चारों तक। और बीच से मोटा नहीं रखना है, बराबर चारों तक फैलाना है हमने। आप ज़्यादा आंच पर नहीं रखना, सिम रखना, थोड़ा कम फ्लेम रखेंगे तो अच्छा बनेगा। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा भी कर सकते हैं जब डाल देते हैं तो, क्योंकि जितना वो क्रिस्पी होगा ना, जैसे हमारी जो अंकल होती है वो क्रिस्पी नहीं होती, क्रिस्पी नहीं अच्छी लगती, और ये जो है क्रिस्पी अच्छा लगता है। इसको हमें ऐसे करके फैला देना है और इसको हो गया, अब हमारा इतना बन गया। अब इसको हमने पलटना है, अब तो ये तैयार हो रहा है। फिर हम इसको देखेंगे, साइड से लग रहा है पता कि तैयार हो रहा है। इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे दोस्तों, बीच बीच में घुमाते रहेंगे ताकि यह जले ना। फिर इसको हम ऐसे करेंगे, देखेंगे कि नहीं, ये अभी पलटने के लिए हो गया है और बीच से ये जलने लग गया। देखिए अब इसको हम पलट सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, देखिए ये देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और इसका जितना ऐसे क्रिस्पी बने उतना अच्छा बनेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालती रहूँ और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी तरह हमने ये सारे बना लेने हैं और खा लेने हैं। इसमें हमने मिर्ची सब कुछ डाल दिया है, बहुत टेस्टी होता है, आप ट्राई करके देखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।